आज हम जा रहे हैं मंदिर, खाटू श्याम मंदिर। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब बोलते से क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं चॉकलेट। चॉकलेट है वैसे भी। मौनी दूल्हा कितना प्यारा दूल्हा लग रहा है देखो। इमोशनल लगी भी। चलो चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जी अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी आज हम नहा धो के तैयार हो गए क्योंकि आज हम जा रहे हैं मंदिर, खाटू श्याम मंदिर। बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो आज सुबह सुबह हमने कहा फाइनली चले जाते हैं मंदिर और दर्शन करके आते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेके आते हैं। और आज ना मौसम अच्छा हो गया, धूप तो लगी हुई है ना, पहाड़ों में बारिश हो गई है जिस करके यहाँ ठंडा हो गया। आज ऐसा लग रहा था यहाँ ठंडा, आज थोड़े से कंबल कुंबल भी लिए करने, तो यहाँ पे बीबी भी तैयार हो गई है। तो बड़े दिनों से सोच रहे थे हैं दर्शन करें। चलो चलो तो चलो फिर दर्शन करके आते हैं। आज जो है कि हवा चल रही है बड़ी अच्छी, मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी है ना, मज़ा आ रहा है आज। तो जी यहाँ पे पहुँच गए हम खाटू श्याम मंदिर में, तो चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। चलो जी हमने कर लिए दर्शन, बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दी है और अच्छे से दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छा लगा, मन को सुकून मिला आज बाबा के पास जाके। तो अब चलते हैं घर। तो जी अभी हम आए हैं यहाँ पे मटका लेने के लिए, क्यों ले रहे हैं वो आपको हम बताएंगे, अभी पहले मटका सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे है ढेर सारे मटके ही मटके, यहाँ पे गुल्लक है यार, सुनो इतना बड़ा गुल्लक मेरा भर जाता पैसों से, कितना मजा आता। हमारे जो घर के बगल में ना वहाँ पे एक फैमिली रहती है और वो बेचारे ना वहाँ मजदूर है, मतलब आए हुए हैं और रोड पे ही सोते हैं वो, और पानी ना वहाँ से भरते, तो टैंकी वाला पानी भरते हो बेचारे, पता नहीं इतना गर्म पानी भी हमारे यहाँ से तो ले जाते हैं, इतना गर्म पानी भरते हैं वो पीने के लिए। तो इतने पड़ोस में इतने घर है, कोई उनको पानी नहीं देता, हमारे घर आते हैं वो पानी देने, सोचा उनके लिए ले जाएंगे, इससे भरेंगे तो ठंडा रहेगा ना पानी। तो अंकल जी चेक करके दे रहे हैं कि इसमें पानी डाल के कहीं कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, सही है ना, देख लो एक बार चेक करके। मटका पास हुआ, बड़ा वाला 120 कितने दिन में भर जाएगा। पहुंच गए हैं घर और प्रसाद देते हैं सबको, वो लोग अभी है नहीं, पता नहीं कहीं गए होंगे, तो बाद में देंगे उनको। प्रसाद दे दो सबको, दिव्यांशी तेले प्रसाद लाए हैं फूफा जी। ये दोनों दोनों आज दिन की छुट्टियां पड़ी, तो सुबह से बैडमिंटन खेल रहे हैं। जय हो, दो हाथ, दो हाथों से पकड़ते प्रसाद, हाँ ऐसे नहीं। तो जी अभी हम बाबा श्याम के दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि बाबा श्याम कौन है, तो उनका जो इतिहास है ना वो महाभारत के टाइम से है, उनका जन्म हुआ था महाभारत के टाइम, वो है भीम के पौत्र यानी घटोत्कच के पुत्र, तो महाभारत में ना उनका बहुत बड़ा योगदान था, अपनी तपस्या और भक्ति से उन्होंने 3 बाण प्राप्त किए थे जिससे वो किसी पे भी विजय प्राप्त कर सकते थे। तो जब उन्होंने कहा था कि जो भी हारेगा मैं उसकी साइड लूंगा, तो श्री कृष्ण जो है उनको तो पता था कि कौरव हारने वाले हैं, तो उनको टेंशन हो गई कि यार अगर ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा, तो उन्होंने ना उनके पास रूप बदल के गए भगवान जी और उन्होंने बोला कि अगर तुम इतने बड़े महावीर दानी हो तो तुम मुझे एक दान दे सकते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जो कहोगे मैं आपको दान दूंगा, तो उन्होंने बोला तुम अपने शीश का दान मुझे दे दो, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दे दिया, उसी दिन से वो जो है प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान जी ने बोला कि आने वाले कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, पहले उनका नाम बरबरीक था,
तो फिर उन्होंने बोला आने वाले समय में कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा और तुम खाटू नाम स्थान में तुम्हारी स्थापना होगी। तो उस दिन से उनको लोग मानते हैं, पूजा करते हैं और वो हर किसी की सुनते हैं। जो हारता है अपने जीवन में किसी चीज को लेके तो उनका वो हमेशा साथ देते हैं। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो देखो यहाँ पे ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और यहाँ देखो सब कपड़े बिखेर रखे पूरा। यहाँ देखो क्या हालत हो रही है, यहाँ देख रहे हो, ससुराल नहीं जाना बल, अपने कपड़े टॉप वगैरह पता नहीं कितने, अरे इतने बैग लेके कैसे जाएंगे, मुझे विदाई तो कर रहे हो और क्या कर रहे। यहाँ देखो देखो दिव्यांशी ने भी एक टॉप ले लिया अपनी बुआ का, कैट वॉक करके दिखा, इधर आ करके दिखा, ओ माय गॉड, ओह ओह ओह। चलो करो करो बैग पैक आराम से अपने, मैंने भी अपने रख दिए गैजेट्स वगैरह सारे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, है क्यों रो रहे हो, है बताओ तो क्यों रो रहे हो, है रो क्यों रहे हो, है क्या बुरा लग रहा है। ओ भाई शादी हो गई हमारी आज, कल थोड़ी विदाई विदाई हो चुकी है, तो शादी के बाद यहाँ आ गए तो ऐसा लग रहा है आपको कि एक विदाई कल है। इतनी जल्दी आ गया सर, अब 20 दिन से ज्यादा हो गए, इतनी जल्दी आ गए तो घर जा रहा हूँ मैं। तो देखो आज हमने जाना है तो तैयारियां चल रही है उसकी। जैसे हमारे यहाँ जब लड़की अपने ससुराल से जाती है तो अरसे बनते हैं ना, तो यहाँ देखो क्या बन रहा है, वो तो सब तैयारी करने में लोग, भाभी आटा गूंद रही है और ये बन रहे, देखो क्या क्या बोलते हैं, क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं चॉकलेट, चॉकलेट है वैसे, पर वैसे घुगुते खजूर, खजूर घुगुते के साथ बनते थे ये। हाँ। घुगुते सिर्फ हम उत्तरायणी पे बनाते हैं, मतलब जब मकर संक्रांति होती है उसके बाद नहीं बनता है, उसी दिन बनता है। तो हाँ पंचमी, उसके बाद वसंत पंचमी आते हैं ना उसी तक बनता है। और ये जो होता है खजूर है ये आप कभी भी बना सकते हो। अच्छा ये देखो क्या शेप दे रहे हैं इनको, देखो ये है अभी अलग 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 हमारी, मतलब ये गरीबों की काजू कतली है। हाँ उधर भाभी लगी है गूंदने में, और अरे अलग अलग शेप देंगे इनको। हाँ, बहुत सारे बनेंगे दिखाएंगे आपको। तो क्या कहते हैं, पूरी बनते हैं, भूले बनते हैं, है ना, भूले बड़े कहते हैं, बड़े भूले कहते हैं हमारे वहाँ, हम क्यों बोले बड़े कहते हैं हमारे, लड़ लो पहले क्या कहते हैं, लड़ लो पहले दीदी लोग की शादी हुई थी तब वो बनते थे। अब ये है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, जब तक हम उनको ले जाएंगे यहाँ से तब तक तो उनका कुछ, तो गर्मी बहुत है ना इसलिए ये तो रह जाएंगे। ये वैसी हैं शायद जैसे ना रुटने बनते हैं, लग तो वैसे ही रहे हैं, रुटने बनते ना हमारे यहाँ जैसे वो छाप वाले रुटने गोल गोल वैसी कुछ है ना ये। हाँ बस ये है कि इनको शेप अलग दे रहे हैं, बाकी वही है ये रुटने, हमारे यहाँ रुटने बोलते हैं ना, ऐसी बनता है वो। शादी के दिन तो हुआ नहीं है, आज मैंने कर दिया है कुमकुम दिया। अंशु दिखा, अंशु की कर दी दिव्यांशी, दिव्यांशी कितनी क्यूट लग रही है यार इसमें, देखो मौनी दूल्हा कितना प्यारा दूल्हा लग रहा है देखो। उस दिन तो कुमकुम लगा नहीं, इधर देखो तो जरा सहरे की कमी, वो उस पगड़ी की कमी है। दुल्हन भी ले आते एक, नहीं ले आऊं अभी, ले आती हूं मार्केट से खरीद के, दूल्हा तैयार कर, दुल्हन भी तो चाहिए। वाह देखो हमारे जाने की तैयारी हो गई है, ये पूरी रास्ते के लिए बना रहे हो या बस हमारे लिए, जाने के पकवान बन रहे हैं, जाने के लिए पकवान बन रहे हैं हमारे लिए, बहुत खाने के लिए हम जा रहे। तुझे कैसा लग रहा है बेबी, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कहाँ से लग रहा है बुरा, अच्छा लग रहा है दिव्यांशी, कहाँ से लग रहा है दिव्यांशी बुरा, अंशु तो कह रहा निकलो, आपका क्या टेक है इस पे, हम जा रहे हैं तुझे कैसा फील हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, इंसान है तू क्या बोल रहे हैं वो तो कर दे, करे कब जा रहे हो
तो रास्ते के लिए बन रहे देखो आलू के गुटके और पूरी। तो इतने दिनों भाभी ने हमारी खूब सेवा की, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा खाना बना ले के लिए हमारे लिए। तो देखो रास्ते के लिए भी बना रहे हमारे लिए आलू की पूरी और गुटके। देखो सफ़र में अच्छे लगते हैं ना। और जब हमारे ना छुट्टियाँ पड़ती थी ना जून में बचपन में, जब जैसे छोटे स्कूल टाइम में, तो गाँव जाते थे ना जून में, बड़ा होता हर कोई गाँव जाने का बड़ा एक्साइटेड होता। और रास्ते के लिए आलू के गुटके और रोटी इतनी सारी पैक करके लेके जाते थे, बड़ा मजा आता था उनको चटपटे आलू के गुटके और रोटी खाने में। भरे दिन बीते रे भैया, अब ससुराल जाओ रे। ये तो इतने खुश है ना ससुराल जाने के, क्या ही बताऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ बहुत बहुत ज्यादा खुशी देखी देख लिया होगा आपने ब्लॉग में, कैसे फूट फूट के हंस रहे थे, आंखों से हंसी निकल रही थी, बहुत हंसी आ रही है। या इसको क्या याद आ रही कर, नहीं जाना ससुराल क्या, वो आगे कॉल आ गई। तो अभी हम रेडी वगैरह हो गए हैं और हमारी जो बस है 6 बजे की, हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी और सुबह 5 बजे पहुँचाएगी। हमारा सामान देखो, हम 2 जने हैं और ये देखो ये बाप रे सामान देखो हमारा। ये 2 बैग तो मेरे हैं, बाकी ये अटेज जी और ये है पुष्पा के, क्योंकि यहाँ इनके काफ़ी कपड़े रह गए थे ना, तो अब कपड़े लेके जा रहे हैं वहाँ। बाकी अभी इमोशनल है बीवी निवान से बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में मत्था टेकने के लिए, पर मंदिर बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। जय हो प्रभु, यहाँ सुंदर बना रहे हैं। तो यहाँ इनके जैसा हमारे लिए तुलसी होती है, चावल और तिल होते हैं और वैसे से डालते हैं सब जगह। तो ऐसे ऐसे करके चावल और तिल पूरे घर में डालने पड़ते हैं, जहाँ मतलब डेली में जहाँ जहाँ डेली होती है तो वहाँ डालने पड़ते हैं, वहीं डाल रहे हैं हम भी। तो विदाई क्या, इनकी विदाई क्या हो रही है, इनका तो अपने घर जा रहे हैं, बिल्कुल खुश हो रहे हैं। देखो ये तो मेरे ही घर है, ये घर से दूसरे घर जा रहे हैं। अंदर ही अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं मन में, लड्डू क्या फूट रहे हैं। इनकी कर दो अच्छे से विदाई, ये दूसरी बार विदाई हो रही है इनकी। दिव्यांशी कैसे देख रही है, दिव्यांशी जय। रोने लग गए, इमोशनल हो गई भी। चलो 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 बैठो। बाय दिव्यांशी, इधर तो आ, बाय से मिलते हुए भाव पल। तो जी निकल पड़े हैं हम अभी बस स्टैंड के लिए और 5 बजे का टाइम है अभी, 6 बजे की हमारी बस है। तो ये तो थोड़े से इमोशनल हो गए हैं। चलो ऐसे होता है, क्या करें, माँ का घर तो माँ का घर ही होता है। तो अभी घर से हम थोड़ी सी दूर निकल गए थे और हम पानी की जो बोतल है वो भूल गए और वाली तो इधर रोई जा रही है। क्या और कुछ तो नहीं रह गया, और कुछ तो नहीं रह गया पानी, फिर अब लेके आ रहे हैं। कौन अंशु आ रहा है, भाभी आ रही है। अच्छा भाभी एक्टिवा से आ रही है, पानी की बोतल रह गई थी ना हमारी, तो आजकल बहुत ज़रूरी है भैया पानी। और मिल्टन की बोतल है वो, इसलिए उसको ज़रूरी लेके जाने, क्योंकि उसमें ठंडा रहेगा ना पानी, तो नहीं तो और दूसरी नॉर्मल बोतल लेंगे तो थोड़ा सा देर ठंडा रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। क्या रह गया ढूंढी जा रहे हो, क्या रह गया सामान, क्या सामान, क्या बात है, ट्रक पार कर लिया जा आपने, डरे तो नहीं ट्रक के सामने से, थैंक यू। आराम से जाना है, मोड़ना नहीं आता, मोड़ लेंगे बेटा, आराम आराम से मोड़ लो, बाय।
तो जी अभी बस रुकी हुई है रास्ते में और यहाँ पे खाने डिनर। तो देखो डिनर कर रहे हैं हम यहाँ पे, होम मेड डिनर यहाँ पर। और अचार भी आया है, पूरी भी आई है, रोटी भी आई है, मज़ा है कुछ और है भैया। ये इसमें आलू के गुटके पैक करके दे रखे हैं। तो चलो जी अभी हम डिनर करते हैं और इस ब्लॉग का भी यहीं तक करते हैं। मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तब तक जय देव भूमि, जय भारत, जय जगत, इंडिया, बाय।